खबरों में आगे बढ़ेंगे। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रही माफिया आतिक अहमद के परिवार की 5 महिलाएं पुलिस के लिए चैलेंज बन गई हैं। इन्हें गिरफ्तार करने की बात तो दूर, पुलिस को इनकी भनक भी नहीं लग पा रही। पिछले करीब 3 महीने से पुलिस की टीमें खाक छान रही है, लेकिन इनका कोई सुराग नहीं लगा पाई। रिपोर्ट देखिए। अतीक के परिवार की 5 महिलाएं पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई हैं। उमेश पाल हत्याकांड हुए 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पुलिस 50,000 की नामी शायस्ता समेत किसी भी महिला को नहीं पकड़ पाई है। शायस्ता के अलावा अतीक की बहन आयशा नूरी, भांजी मंतशा और गुंजिला के साथ ही अशरफ की पत्नी ने शायस्ता को मुख्य साजिशकर्ता के साथ ही अतीक के गिरोह का संचालक भी बताया था। पुलिस का ये भी आरोप था कि उमेश की हत्या करने वाले शूटर्स को हथियार और रुपये शायस्ता ने ही मुहैया कराए थे। शायस्ता की तलाश में पुलिस ने प्रयागराज से लेकर कौशाम्बी तक सैकड़ों गांवों में दबिश दी, लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, सैकड़ों मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाए, लेकिन अब तक शायस्ता का कुछ भी पता नहीं चला है। टेलीडॉन शायस्ता परवीन को लेकर एसटीएफ ने फिर से अपनी कवायद और तेज कर दी है, जहां बताया जा रहा था कि वो इद्दत में है। कौन रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार कौन हैं जिनसे वो मिल सकती है, उनको भी लगातार ट्रेस किया जा रहा है। साथ ही साथ शायस्ता परवीन के पिता मोहम्मद हारून को ट्रेस किया जा रहा है और करीबी रिश्तेदार जो मरियाडी में रहते हैं, बाकायदा इलाके में मुखबिर तंत्र को और सक्रिय एसटीएफ की टीम लगातार दूसरे राज्यों की जो पुलिस है या कहा जाए एसटीएफ की जो टीम्स है उनसे लगातार संपर्क में है। अनुमान लगाया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि जल्द ही साबिर और गुड्डू मुस्लिम को लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा जैसे राज्यों से कुछ बड़ा इनपुट मिल सकता है। साथ ही साथ शायस्ता परवीन के लिए कहा जा रहा है कि वो प्रयागराज के आसपास के इलाकों में है, लिहाजा वहां पर भी मुखबिर तंत्र को और सक्रिय कर दिया गया है। शायस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम और साबिर जो एसटीएफ के लिए अब नाक का सवाल बनते जा रहे हैं, उसको लेकर कवायद और तेज कर दी गई है। और ये सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि जल्द ही एसटीएफ के हाथ कुछ बड़ा इनपुट मिल सकता है, जिसके बाद इनकी लोकेशन और साफ हो पाएगी। कैमरामैन नफीस के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। अतीक और अशरफ की मौत हो चुकी है और योगी सरकार अतीक की अकूत संपत्ति पर एक एक करके शिकंजा कस रही है, लेकिन जिस दौरान अतीक जेल में बंद था उस वक्त अतीक के परिवार को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। अतीक के 3 मददगार ऐसे थे जो शाइस्ता और उसके बेटों के हर शौक को पूरा कर रहे थे। आखिर कौन है वो 3 किरदार, रिपोर्ट में आप देखिए। अतीक की मौत के बाद उसकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। सरकार ने 1,200 करोड़ रुपए की गैर कानूनी संपत्ति जब्त कर ली है। कई अवैध प्रॉपर्टी जिन पर माफिया अतीक ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था उन्हें ढहा दिया गया है। ऐसा लगता है कि शायद अब अतीक अहमद का परिवार सड़क पर आ जाए। परिवार के पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। बावजूद इसके अतीक की पत्नी शाइस्ता प्रवीण और उसके बच्चों की शानो शौकत में कोई कमी नहीं। जिस वक्त अतीक अहमद जेल में बंद था उस दौरान भी शाइस्ता और उसके बच्चों की डिमांड पूरी होती है। अब जाकर 3 ऐसे नाम सामने आए हैं जो अतीक के मददगार थे, जो अतीक की पत्नी शाइस्ता प्रवीण और उसके बच्चों को हर कीमती सामान मुहैया करा रहे थे। मीडिया की खबरों के मुताबिक अतीक के 3 मददगारों में से 2 प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, यानी रियल स्टेट से जुड़े हुए हैं, जबकि तीसरा एक होटल को चलाने का काम करता है। पुलिस लंबे वक्त से इन पर नजर बनाए हुए थी। ऐसे कई सबूत मिले हैं जिसे ये पता चलता है कि ये लंबे वक्त तक अतीक के परिवार तक पैसा पहुंचाने का काम करते थे। कि उमर और अतीक अहमद के बाकी बेटों की मदद करने वाले 3 लोग, जिसमें से एक बड़ा होटेलियर यानी होटल व्यापारी और 2 प्रॉपर्टी डीलर के बारे में भी जानकारी मिली है कि कैसे वो गाड़ी जेल के अंदर, कैसे व्यवस्था जेल के अंदर, खाने पीने का इंतजाम, अच्छी जिंदगी जीने का इंतजाम किया करते थे, उनके बारे में पुलिस को पता चला है। जल्द ही उनका चेहरा भी फाश होगा, पूछताछ होगी, लेकिन तब तक लगातार जो पुलिस है वो कोशिश कर रही है कि ऐसे लोग जो जेल के अंदर इनकी सुविधा या व्यवस्था का इंतजाम किया करते थे वो जल्द ही पुलिस के सामने हो। इन मददगारों में से एक प्रयागराज के कालंदीपुरम का रहने वाला है और उसने धूमनगंज में अपना रियल स्टेट का ऑफिस खोला हुआ है। दूसरा फाइनेंसर मरियाडी में रह रहा है। इन 3 के नाम पर नोएडा में काफी संपत्ति है। पुलिस जल्द इनकी प्रॉपर्टी को कुर्क करने का प्लान कर रही है। खबरों के मुताबिक शाइस्ता प्रवीण के अलावा जेल में बंद अतीक के बेटों की सुविधा का ख्याल रखना भी इन्हीं 3 फाइनेंसरों का काम था। ये जेल में पैसा देकर सेटिंग करते थे ताकि अतीक के बेटों को कोई दिक्कत ना हो। उनकी सुविधा के लिए लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहा दिए जाते थे।
पुलिस अब इन तीनों ही मददगारों पर शिकंजा कसती नजर आई, जिसके बाद कई और राज सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।